और आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट। आप जो ये देख रहे हैं, ये निम्बी गांव है महेंद्रगढ़ जिले का, और यहाँ की बेटी आईएएस बनी है। बेटी का ये जो घर है, ये केवल एक कमरे में, एक ऊपर चौबारे पे एक कमरा है और इसी में रह रही है। हम दिखाते हैं उसका किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार की विषम परिस्थितियों में रह रही है। ये ऊपर एक कमरे में रह रही है, केवल इनके पास एक ही कमरा है। बहुत गरीबी से जूझी और बहुत विषम परिस्थितियों में, पिता का साया भी 8-9 साल की उम्र में उठ गया था। और हम आपको चलकर उनका मकान दिखाते हैं, मकान की क्या स्थिति है, कैसे है, आप सब देखेंगे। ये जो सामने कमरा आप जो देख पा रहे हैं, ये उन्हीं का कमरा है और इसी एक कमरे में ये सब पूरे परिवार के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, इस कमरे में जो सामने देख पा रहे हैं, इसी कमरे में रह रही है। और बाहर ये खाना पकाना इनका बेचारी का बना रहता है, लेकिन आज इन्होंने अपना सिर संभाल लिया है, अपना जो मेहनत थी आज कामयाबी की तरफ है। भाइयों, जो आपने टेस्ट पास किया, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से खुशी महसूस हुई उस समय जब आपने रिजल्ट देखा? रिजल्ट के टाइम यही था कि बस लिस्ट में नाम होना चाहिए अपना, और जब देखा तो लगा ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया। मतलब कई सारे बच्चों का नहीं भी हुआ साथ में, तो लगा कि हाँ कुछ तो बात है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया सिलेक्शन लिस्ट में। अच्छा, मम्मी को बताया, छोटे भाई को बताया, बहन को पता चला, क्या रिएक्शन था वो पहला? मम्मी सबसे पहले जब रिजल्ट में नाम देखा, उसके बाद मम्मी के पास ही कॉल किया, बहन भाई भी वहीं थे, तो उनको भी ये लगा कि हाँ हो गया। और फिर जो अदर रिलेटिव्स थे, मामा मौसी, उनको भी बताया, सब बहुत खुश हुए। कितना अपने को लगता था कि हो जाएगा? वो एक डर तो हमेशा ही बना रहता है कि क्या पता किस्मत साथ ना दे, लेकिन मुझे ये था कि हाँ जैसा मैं लिख के आई हूँ उस हिसाब से सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा इस बार। मुझे था हाँ सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा। हाँ, रैंक का थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन मुझे ये था हाँ सिलेक्शन तो इस बार मिल ही जाएगा। अभी कौन से रैंक अपने को मिली? अभी 438 है। 438 जी। कौन सा, क्या पोस्ट मिलेगी? प्रोबेबली चांस है कि IPS मिल जाए, अदरवाइज IRS मिलेगा, मतलब IPS या IRS। उम्मीद क्या थी अपने को? उम्मीद तो लेना तो IAS ही था, लेकिन शायद इस बार तो नहीं मिलेगा IAS। किस प्रकार से सोच थी कि बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही रूम है अपने घर में है, और छोटी सी उम्र में फादर चले जाना, मम्मी ने किस प्रकार से मेहनत की, क्या मोटिवेशन आपको मिला? मतलब जब भी मैं पढ़ती थी तो मम्मी को दिमाग में लेके ही पढ़ती थी कि उनके लिए करना है, उनको यहाँ से निकालना है, और अच्छा मतलब उनके लिए कुछ, उनको प्राउड फील करवाना है कि हाँ भाई बेटी ने ये सब कुछ कर दिया। तो मुझे लगता है जो स्ट्रगल रहे उस वजह से ज़्यादा, मतलब मुझे ये हुआ कि हाँ करना ही है, करना ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। मुझे लगता है इन सब का भी हाथ रहा मेरी सक्सेस में। तो आपने कौन सी क्लास में आपने मान लिया था कि मैंने IAS IPS करना है? वो बस स्कूल में एक बार जब हमारा कोई फंक्शन था, एनुअल फंक्शन नवोदय में, उस टाइम एक बार SDM सर आए थे चीफ गेस्ट बनके, तो जो उनका रुतबा देखा, उनका रेस्पेक्ट देखा, तो उस टाइम लगा कि हाँ हमें भी बनना है SDM। और उसके बाद जब कॉलेज था तब सोचा, सिलेबस वगैरह देखा UPSC का, तब लगा हाँ UPSC करना है। मतलब मैंने और कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं, मुझे यही था कि हाँ UPSC ही करना है। हाँ पहला ही एग्ज़ाम था। क्या सोचा उस दिन जब SDM साहब वहाँ आए, तो क्या अपने को हासिल करना है? मुझे यही लगा कि मुझे भी यही इज्जत चाहिए जो इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है इनको। उन्होंने जब स्पीच दिया तो उनकी पर्सनैलिटी से मैं इतना प्रभावित हुई, मुझे लगा हाँ मुझे भी इनके जैसा बनना है। अच्छा, घर में फैसिलिटी नहीं होती तो बच्चा कहता है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप बावजूद इसके आपके फादर भी नहीं थे, मम्मी ने काम करके आपको पाला बड़ा किया, वो कैसे मोटिवेशन मिला कि भाई घर में फैसिलिटी नहीं है फिर भी मैं IAS? वो मैंने बताया ना कि जब स्ट्रगल होते हैं तो उस टाइम ज्यादा प्रेशर होता है दिमाग पे कि खोने को वैसे भी कुछ प्रेशर नहीं। होने पे लोग नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाते हैं। हाँ मेरे साथ हो सकता है ये एक पॉजिटिव चीज़ रही हो, मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, मतलब शिकायत नहीं की कि ये नहीं है ये नहीं है, जो था मैंने उसी से, मुझे ये लगा कि ठीक है करना है अपन को, जैसा भी है अपन को निकालना है बस फर्स्ट अटेम्प्ट में।
इसके अलावा एक बड़ी बात है, जैसे केवल एक कमरा था, आपके भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, मम्मी भी हैं, जैसे काम करते हैं, डिस्टर्बेंस भी होता है, छोटा भाई जैसे बोल कर पढ़े, हर आदमी की अलग अलग हैबिट होती है, कोई बोल कर पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, तो इसमें आपको डिस्टर्बेंस महसूस हुआ, कैसे आपने अपने आप को संभाला? एक्चुअली बहन भाइयों को भी पता था कि UPSC कर रही है, तो उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया। मतलब मेरे को कोई ना घर का काम करना पड़ता था और ना उनकी तरफ से मतलब कभी डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं। मेरे को पढ़ना है तो वो बाहर चले जाते थे, बाहर बैठ के पढ़ते थे, या कभी घर में कुछ था, फंक्शन होता रहता था तो मैं कहीं और चली जाती थी पढ़ने के लिए, मौसी के चली जाती थी, या मतलब मैं अपना उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती थी चीज़। पढ़ने को तो पढ़ना ही था बस। हाँ, बस ये था कि यहाँ मतलब अगर नहीं हो पा रहा है पॉसिबल तो मैं कहीं और एडजस्ट कर लेती थी। किसी से गाइडलाइन मिली हो कुछ? एक्चुअली इस फील्ड में तो आसपास कोई रिलेटिव या कोई सीनियर ऐसा मिला नहीं जो UPSC में हो, तो मैंने बस इंटरनेट से और यूट्यूब से, गूगल से इनसे ही किया। स्टार्टिंग एजुकेशन थी वो कहाँ से? मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग तो यही मनु स्कूल से की थी, गाँव में। उसके बाद फिफ्थ में जब नवोदय का टेस्ट हुआ तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और देन मैंने 12th तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन मैंने यहाँ गवर्नमेंट PG कॉलेज महेंद्रगढ़ से की और ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट कॉलेज PG कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है पढ़ने के लिए, जैसे और भी बच्चियाँ पढ़ रही हैं? हाँ, एनवायरनमेंट तो ठीक है पढ़ाई का, लेकिन मैं भी रेगुलर तो नहीं जाती थी। मतलब मैं तभी जाती थी जब प्रैक्टिकल्स वगैरह होती थी या क्लासेस अटेंड करनी होती थी। और पॉजिटिव चीज़ें सारी हुई, लेकिन पैसा नहीं आ सकता पॉजिटिव चीज़ या सोच रखने से, तो वो कहाँ से फाइनेंस कहाँ से? वो मम्मी ने यहाँ की स्विस्ट उठा ली थी, जैसे गांव में जो SHG ग्रुप्स होते हैं, और मैंने स्कूल में भी पढ़ाया था एक साल के लिए। कौन से स्कूल? मनु स्कूल में ही पढ़ाती थी मैं पार्ट टाइम, मतलब 2-3 घंटे पढ़ाती थी वहाँ पे और फिर देन अपना आके पढ़ती थी। और मैंने ट्यूशन भी करवाए घर पे। ट्यूशन पे घर में एक ही कमरा था, फिर ट्यूशन करो? ट्यूशन तो मैं यहाँ करवा देती थी हमारे छत पे बैठ के। भारी? हाँ भारी, शाम के टाइम। अच्छा, आसपास के लोगों का सहयोग किस प्रकार से रहा? हाँ, मतलब यहाँ पे किसी को ऐसे पता नहीं था कि मैं UPSC कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा इंटरेक्शन करती नहीं थी लोगों से। मतलब मैं बस अपने रूम में रहती थी, पढ़ती थी, खाती थी, सोती थी बस। और भी बच्चे हैं जिनको आपसे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अपने पास एक ही रूम, सुविधाएं भी नहीं आजकल बच्चों को, AC चाहिए भाई पढ़ने के लिए और इंटरनेट के लिए सारी चीज़ें चाहिए भाई, वाईफाई लगवा दो, ये करवा दो, तो उन सुविधाओं के न होते हुए आपने क्रैक किया टेस्ट, और बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी बस कि आप अपनी ज़िंदगी में एक एम डिसाइड कीजिए और लगातार उस पर काम कीजिए। मतलब कभी कभी ऐसा भी होएगा कि हमारे सामने परेशानियाँ भी आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है उनसे, यही सोचना है कि हो सकता है कुछ अच्छा ही लिखा है इसलिए परेशानियाँ आ रही हैं। बस पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिल ही जाएगी, हमारी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाएगी। तो बस मैं यही कहूँगी, डेडिकेशन, प्रिजर्वेंस और पेशेंस रखिए। जैसे मोस्टली लड़के IAS की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, इसमें उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? एक्चुअली वो जो UPSC का एग्ज़ाम होता है, इसमें सिलेबस ऑलरेडी डिफाइन होता है। UPSC की जो साइट होती है उस पर सिलेबस हर पेपर का डिफाइन होता है, तो उसके हिसाब से हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती हैं। और मोस्टली तो ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी वगैरह, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। उसी में से आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आएगा, मतलब सिलेबस में जो डिफाइन है वही आएगा। कब फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, कब टेस्ट होता है, कितने टेस्ट होते हैं, और सबसे मेन होता है इंटरव्यू? हाँ, सब फॉर्म तो शायद जनवरी के आसपास निकलते हैं, और उसके बाद प्रीलिम्स होता है मई या जून में, और जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो रोल नंबर आ जाते हैं जिनका क्लियर हो गया। उसके बाद मेंस होता है, मेंस में 9 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो सब क्लियर हो जाते हैं तो फिर वही रोल नंबर आते हैं जिनका हो गया। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट मीन्स इंटरव्यू होता है, और फिर इंटरव्यू के बाद वो सारे ऐड ऑन होके सारे मार्क्स मेरिट लिस्ट निकलती है। इंटरव्यू सबसे हार्ड बताया जाता है, और एक भी नहीं होता, ज़्यादा होते हैं, क्या कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू मेरा ठीक रहा, मतलब मुझे बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले हैं इंटरव्यू में। मतलब
एवरेज से भी बहुत ज़्यादा, तो इंटरव्यू में नॉलेज तो नहीं देखते हैं वो आपकी कि आपको कितनी नॉलेज है। और मैं तो 22 साल की थी, वैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझसे वो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते। बेसिक्स था। हाँ, वो एक्सपेक्ट, मतलब अगर आप मेरी तरह से जाएंगे तो वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको ऑल ओवर अर्थ सब कुछ पता होना चाहिए। वो मतलब आपसे वहीं पे पूछेंगे जो जरूरी है कि भाई आपको अगर इस सर्विस में भेज देंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे, आपको डीएम बना देंगे तो आप कैसे सिचुएशंस हैंडल करेंगे, वो उस हिसाब से पूछते हैं और बहुत अच्छा भी फील करवाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आराम से पानी पिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर आराम से पूछेंगे कि कोई नहीं आएगा क्वेश्चन तो सॉरी बोल दो भाई और ठीक है, वो नेक्स्ट पे अपने आप फॉरवर्ड हो जाते हैं। मॉक टेस्ट भी होते होंगे? हाँ, मॉक इंटरव्यूज भी हुए थे, मॉक टेस्ट भी हुए थे। तो मॉक इंटरव्यू ज़्यादा टफ होते हैं, वो मतलब इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं कि वहाँ जाके तो ऐसे लगता है नॉर्मल है बिल्कुल। मॉक वाले ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा, बच्चे दिल्ली कोटा जाते हैं कोचिंग के लिए, उन्हें आप क्या कहेंगे भी घर रह के भी आप क्रैक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग में ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है और टाइमिंग भी ज़्यादा हो जाती है, एक टॉपिक को काफ़ी टाइम में 2-3 घंटे में कवर करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, सपोर्ट अच्छा करती हैं, लेकिन मैंने तो यही सोचा कि मैं घर पर रह के अपने हिसाब से तैयारी करूँगी, मतलब जो मुझे नहीं आएगा वो उस पर ज़्यादा टाइम दूंगी, जो आएगा उसको जल्दी से स्किप। कहाँ से तैयारी की, किस किस चीज़ का, किस किस साधन का उपयोग आपने किया? मैंने मतलब UPSC की साइट पे जब सिलेबस देखा, उसके बाद मैंने टॉपर्स के वही इंटरव्यू देखे, तो उन्होंने जो जो बुक्स रिकमेंड कर रखी थी मैंने वो सब खरीद के और पढ़ी अच्छे से, NCERTs पढ़ी, उसके बाद पेपर सोल किए जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स थे, और राइटिंग की मतलब लिख लिख के देखा, और देन मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो उससे मुझे पता चल गया कहाँ मेरी वीकनेस है। कभी ऐसा होता था कि मम्मा मेरे को बुक लेके आनी है, कोई रिवीजन पेपर लेके आना है, पैसे चाहिए, मम्मा कह रही भाई आप बेटा आज नहीं है कल दूंगी परसों? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी, मतलब क्योंकि मेरे पास खुद भी रहते थे, मैंने बोला ना स्कूल में पढ़ाया है तो वो पैसे मैंने इसीलिए रख रखे थे कि मेरे को अपनी बुक्स लेके आनी है, तो मैडम ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब कौन सी मैडम? वो जो मनु स्कूल की जहाँ मैं पढ़ाती थी। क्या क्या सपोर्ट किया? मतलब सैलरी भी वो टाइम मुझे टाइम से पहले ही दे देती थी, उनको पता था कि मैं पढ़ रही हूँ, और अगर कभी क्लास मतलब मेरा पीरियड खाली होता था तो वो कह देती थी पढ़ लो आप, मैं अपनी बुक्स लेके जाती थी वहाँ पे, तो मैम कह देती थी आप पढ़ लो, तो मैं पढ़ती रहती थी। मेन रोल आपका मम्मा का है इसमें, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ मतलब मेरी सक्सेस का क्रेडिट उनको जाता है, वैसे तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पता तो नहीं था कि क्या कर रही है, बस ये था कि हाँ जैसे गाँव में होता है कि बेटा पढ़ ले। हाँ, उसको बस मम्मी ने डिस्टर्ब नहीं किया कभी कि भाई आप पढ़ रही है तो कुछ काम कर या नहीं, वो बस कैसे कहती तुझे पढ़ना है तो पढ़ती है बस। पापा के बारे में कुछ याद है? ज़्यादा तो कुछ याद नहीं है मुझे, छोटी थी। हाँ। अभी क्या ज्वाइनिंग करने का इरादा है या किस प्रकार से, क्या कुछ आगे का प्रोसेस है? वो अभी तो सर्विस अलॉट होंगी, अभी सर्विस अलॉट नहीं हुई है, तो सर्विस अलॉट होंगी, उसके बाद IRS मिलता है, IPS मिलता है, देन उसके बाद फिर कैडर मिलेंगे कि कहाँ पोस्टिंग मिलती है, और फिर ज्वाइनिंग मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कोई बच्चा जैसे आप हो या आपसे भी कोई और नीचे गरीब तबके का बच्चा आपकी पोस्ट मिल जाने के बाद कोई आता है तो उसके किस प्रकार से हेल्प करें? हाँ ये तो है ही, मुझे जो चीज़ें मैंने फेस की हैं मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे जैसा कोई बच्चा ऐसे फेस करे, तो अगर मुझे कोई मुझे नहीं भी मिलता है तो मैं ढूंढूंगी, मतलब खुद अगर मुझे कोई ऐसा बच्चा मिलता है मेरी नॉलेज में कोई आता है तो मैं चाहूँगी उसको सारी फैसिलिटीज मिले, उसको मुझसे भी आगे जाए वो। अच्छा, मैंने सुना था कि सपना आपने देखा था कि गाड़ी पे लिखा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो मैंने बोला था वहाँ भी कि मैं जब पढ़ती थी तो उस टाइम ऐसे तो होता ही है कि लगातार आप पढ़ रहे हैं तो एक जो डिप्रेशन सा आता है कि बस अब कितना पढ़ेंगे, तो मैं उस टाइम मेरे दिमाग में ये रहता था कि मुझे अपनी गाड़ी के पीछे बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवाना है और आगे बस फ्लैग लगवाना है, मुझे ये था, तो मैंने अपनी जहाँ मैं टेस्ट लिखती थी वहाँ बेंच पे भी अपने लिखा लगा रखा था कि घर पे जब पढ़ती थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए पीछे गाड़ी के, तो मुझे लगता है वो चीज़ें हमारे मन में थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन पैदा कर देती है कि हाँ भाई ये सपना देखा है तो ये पूरा होना चाहिए, टारगेट किया है तो सपना तो होता ही। और कुछ कहीं से आपने प्रिपरेशन की हो घर से बाहर जाके? नहीं, मैंने बस टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन की थी, मतलब
लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर वो चेक करके फीडबैक दे देती थी। अभी पूरे गांव में, पूरे जिले में, पूरे स्टेट में आपके नाम का डंका बज रहा है कि किस प्रकार से फिर गांव के लोग आते हैं, क्या कहते हैं, क्या लगता है? अभी तो आना जाना लगा ही रहता है, मतलब कि हाँ सबको प्राउड है, इसी से खुशी तो होगी अपने गांव का। कल को मेरे को देख के कोई और बच्चा इंस्पायर हो, वो निकले, तो मुझे भी वैसे ही खुशी होगी। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन क्या उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वही कहूँगी कि आप भी अपना गोल बनाइए और लगातार काम कीजिए, उस पर सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, आज नहीं तो कल जरूर रिजल्ट आएगा। आपकी बार अटेम्प्ट करेंगे तो क्या लगता है कौन से रैंक पे? इस बार तो मैं सोच रही हूँ, परसों ही एग्जाम है तो शायद अटेम्प्ट ना दूँ, क्योंकि प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो बस IAS ही रह गया है। बिल्कुल। हाँ, तो बस IAS ही चाहिए अभी तो उसके लिए मुझे लगता है रैंक एकदम टॉप में लानी पड़ेगी, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करके और देन अटेम्प्ट दूंगी। छोटे भाई बहन हैं उनको अब किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे आगे के लिए? हैं वो तो अभी छोटे ही हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जिस फील्ड में जाना चाहेंगे उस फील्ड में भेजेंगे, ऐसा नहीं है कि उन पे कोई प्रेशर है कि वो भी यहीं करें, लेकिन जैसा भी उनका इंटरेस्ट बनेगा उस हिसाब से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ओके, थैंक यू। और घर में कौन है आपके? घर में तो बस मम्मी हैं और भाई बहन हैं, अंकल जी हो रहे हैं। और अंकल जी से बात कर रही है? आपकी मम्मी अगर यहीं आ जाए तो बेटर है। मम्मी की तो तबीयत बहुत खराब है। बड़ी खुशी हुई और बच्चे बड़ी उत्साहित हैं और आगे अच्छा रैंक। सर क्या कहेंगे, एक ही रूम है, कोई सुविधा नहीं है? जुनून के आगे प्रदीप जी, और जब टारगेट होता है और परिस्थितियों का जब सामना करना होता है तो अपने आप टारगेट मिलता चला जाता है, जो इस गुड़िया ने करके दिखाया है हमारे महेंद्रगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है। इसलिए आज जो है यदवंशी का पूरा जो है मैनेजमेंट यहाँ पे इनको बधाई देने के लिए पहुँचा, और हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप हमारे बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए आएँ, ताकि और बच्चे जो इनसे मोटिवेट होकर के और IAS में निकलें। सर क्या कहेंगे? भाई एक गरीब परिवार से उठ के इतने उच्च पद पे गई, इसलिए इसको शुभकामनाएं देते हैं, आगे और मेहनत करें, अपन अच्छी रैंक। ठीक है। गाँव निम्बी, जिस प्रकार से बेटी ने रैंक हासिल की है पूरे देश में, क्या कुछ कहेंगे? जी जिस हिसाब से पढ़ती थी और रात और दिन इसने कभी ये नहीं कहा कि मैं भूखी हूँ, मेरे को ये चीज़ चाहिए, कभी इसने कोई किसी प्रकार की डिमांड नहीं की, अपना सिर्फ ये मोबाइल, इसमें मोबाइल में कहता बेटा आंधी हो जाएगी, पर ना इसी में था सब कुछ, इसी से इसने सब कुछ निकाल करके अपना पढ़ना रात और दिन। क्या लगते हो आप लड़की के? अंकल। अंकल। अच्छा, बताया जा रहा है कि इसके फादर की डेथ जल्दी हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। कब हुई थी ये? 8 साल की थी जिस टाइम। फिर कैसे इसकी मम्मा ने इसको संभाला, आप लोगों ने कैसे सपोर्ट किया? ये ऐसा है जी, कुछ तो पशु पशुपाल जैसे रखना, या फिर हमारे जैसे खेती वेती के काम अड़ोस पड़ोस में ले जाते, भाई बच्चे बाप नहीं है, तो उन्होंने इतनी इतना संघर्ष किया है कि को कर नहीं सकती कोई जना बगैर फादर के, इन्होंने इस बच्चे को जो पहुँचाना बहुत ही, कोई कमाई का साधन करते नहीं, सिर्फ पेंशन पेंशन मैंने बच्चों की बनवा दी थी इनकी तीनों की, इसकी तो पेंशन भी नहीं थी बड़ी बड़े, अच्छा। क्यों कर ही रहा थी ना, अच्छा। स्कूल में तो उस टाइम बन नहीं सके, दोनों की इनकी पेंशन करवा दी थी, भाभी जी करवा दी थी, यही सारा था और कोई सारा। तो कैसे आप लोगों को लगता था कि लड़की लड़की कुछ कर पाए? मेरे को तो पहले से ही था जी, कब इसका टारगेट बना था आप लोगों को बताया इसने? ना, इसने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं इस चीज़ के पेपर दूंगी, सिर्फ पढ़ना रात रात और दिन। अब गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले तो ये है जी कि कोई कितने मतलब इतनी स्थिति गरीब की और फिर इतना पढ़ना है जी, तो आप एजुकेशन से जुड़े हैं, तो इनका प्लस टू में क्या कुछ परसेंटेज रहा है या ग्रेजुएशन में किस प्रकार का परसेंटेज रहा है? प्लस टू में 92 करीब थी जी। और ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन तक नहीं, लेकिन होशियार थी, टॉप थी। देखो गरीब परिवार होता है और लड़के के पास मोबाइल होना, नेगेटिव चीज़ों की तरफ आदमी और औरत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो इस बात को आप लेके क्या कहेंगे भाई, अपनी बेटी ने पॉजिटिव चीज़ें ही साथ रखी? हाँ जी एकदम से, कभी को कोई मतलब
ये तो मैं तो किसी से शाम को जैसे निकलना कोई नहीं, घर के अंदर ही रहना, कहीं जैसे कॉलेज भी गई ना तो अपना टाइम से आना टाइम से जाना, कॉलेज के साथ साथ स्कूल में पढ़ाना। हाँ जी देखो यहाँ में पढ़ाने भी जाया करती थी, बता रहे ट्यूशन भी करवाते थे। हाँ यहाँ शाम को ट्यूशन बच्चे 15-20 बच्चे आते थे। और इसके छोटे भाई बहन है वो किस प्रकार से? वो भी हैं पढ़ाई में, वो अच्छे हैं, ठीक है, पर इस जितने नहीं है, इस जितने नहीं है। नहीं अच्छा आप ये कह रही कि भाई मैं दोबारा से फिर टेस्ट ये क्वालिफाई करूंगी? करेगी जी पक्का, पक्का करेगी, इसका जिद होगी। अभी घर की हालत क्या है, कितने कमरे हैं, क्या कुछ है? अब तो फिलहाल तो देखो ऊपर जो कमरा है इनको दे रखे जी, एक ही कमरा है, कितने आदमी रहते हैं उसमें? पुराना जो हवेली है ना हमारी इधर जी, उसको छोड़ के आ गए हम, ठीक है, तो ये बोले मैं तो अकेली नहीं रह सकती हूँ, लाइट वाइट का प्रबंध नहीं, बिल्कुल तुम उनकी सुने आ जाओ। एक ही कमरा है, तीन भाई बहन और एक माँ, खेत वेद है, कितने गिंदे हैं? 6 गिंदे तो इधर है जिंदा निवास के पास। जैसे इसके हिस्से कितने आते हैं? 1.5-2 तो ये खुद ही बोते थे या किसी को दे रखा था? दे रखे, दे रखे। और बच्चे हैं जैसे जो पढ़ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे भाई इस बेटी की तरह? हाँ इसकी तरह मैं तो कह रहा हूँ भाई, इसका इसने देखो कितना संघर्ष किया है भाई, कोई फैसिलिटीज नहीं होने होते हुए भी, तो मैं तो कहूँ कि भाई जिस बच्चे के पास फैसिलिटीज हैं वो तो अपना थोड़ा सा करियर और आगे बढ़ाओ, देख कीजिए जी। बिल्कुल ठीक है।